तो दोस्तों आईपीएल 2021 के सीजन का तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होने वाला है, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने केदार जाधव, मुजीबुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया है, तो वहीं साकिब उल हसन, पवन नेगी और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ियों को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है, जहाँ इस बार सुनील नारायण को प्लेइंग 11 से बाहर बैठा सकती है केकेआर, उनकी जगह साकिब उल हसन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, कौन सी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है और कौन सी टीम आईपीएल 2021 के सीजन में सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, और कौन कौन से खिलाड़ी जो ओपनिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बैट्समैन की। तो ओपनिंग जो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से करने वाले हैं, शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ओपनिंग कर सकते हैं। शुभमन गिल और उसकी जगह लास्ट ईयर सुनील नारायण ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन राहुल त्रिपाठी ज्यादा अच्छे सेट बैठ रहे, जिनकी वजह से ये कोलकाता नाइट राइडर्स पहले ओपनिंग कराएगी। वहीं थर्ड पे नीतीश राणा आने वाले हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की परे तो रिद्धिमान साहा और डेविड वार्नर दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। हालांकि डेविड वार्नर और जॉनी बरिस्टो की जोड़ी ज्यादा अच्छी है, लेकिन रिद्धिमान साहा का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म रहता है। वहीं थर्ड पे केन विलियमसन आने वाले हैं। मिडल ऑर्डर में दिनेश कार्तिक, इवन मॉर्गन जो कैप्टन रहने वाले हैं केकेआर के, और शाकिब उल हसन रहने वाले हैं। शाकिब उल हसन ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों काफ़ी खतरनाक करते हैं। वहीं मनीष पांडे, प्रियम गार्ग और अब्दुल समद, मनीष पांडे काफ़ी खतरनाक बैटिंग जरूर करते हैं, और वहीं अब्दुल समद जो बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, अब्दुल समद काफ़ी लंबे लंबे छक्के मारते हुए हमको दिखते हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो एंड्रे रसेल, पैट कमिंस, के नगर कोटी, वरुण चक्रवर्ती और शिवम मावी। शिवम मावी का अगर परफॉर्म खराब रहा तो उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा ले सकते हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो अभिषेक शर्मा, जेसन होल्डर, राशिद खान जो ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, लेकिन बॉलिंग अटैक उनकी काफ़ी खतरनाक है। वहीं टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार को टीम में ऐड कर सकती है, यानी कि प्लेइंग 11 कुछ इस तरह रहने वाला है दोनों टीमों का। वहीं दोस्तों और भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल 2021 के सीजन में मौका मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, सनराइजर्स संदीप शर्मा जो बॉलिंग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट भी लिया है, भुवनेश्वर कुमार को तो मौका मिले, बाशिल थम्पे भी है और कुलदीप खलील अहमद है, सिद्धांत कौल है, मुजीबुर रहमान को भी मौका मिल सकता है। वहीं मोहम्मद नबी भी इस टीम में ऐड जरूर है, लेकिन उनको कुछ मौका नहीं मिलता है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास चार बड़े प्लेयर शामिल है जो बाहर के। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, पवन नेगी जो ऑलराउंडर है काफ़ी सालों से बाहर बैठ रहे हैं, करुण नायर को भी इस टीम ने अपनी स्क्वाड में ऐड किया, हरभजन सिंह, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर, संदीप वारियर, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप वारियर, ऐसे खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स में भी है। तो दोस्तों वो अगर दोनों टीम की कंपेयर की बात करो तो ज़्यादा बेटर कोलकाता नाइट राइडर्स लग रही है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स में काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, एंड्रे रसेल, सुनील नारायण, साकिब उल हसन, पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं बॉलिंग अटैक भी इनकी काफ़ी अच्छी है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करो तो सनराइजर्स हैदराबाद में अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, जेसन होल्डर जैसे ऑलराउंडर शामिल है। तो वही अगर ये मैच दोनों टीमों के कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा बेटर कोलकाता नाइट राइडर्स लग रही है, और कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच जीत सकती है। तो दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, कौन सी टीम आईपीएल 2021 के जो तीसरा मुकाबला होने वाला है, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स जीतने वाली है? वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, सुनील नारायण को इस बार मौके मिलने वाले या फिर उनकी जगह साकिब उल हसन लेने वाले हैं? वहीं साकिब उल हसन स्पिनिंग बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, वही सुनील नारायण भी स्पिनिंग बॉलिंग करते हैं और बैटिंग ओपनिंग करते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी में से कौन से खिलाड़ी को आईपीएल 2021 के सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करने वाली है? वहीं भुवनेश्वर कुमार को इस बार सारे मैच खेलने को मिलने वाले हैं या फिर जेसन होल्डर की जगह जॉनी बरिस्टो को मौका मिलने वाला है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर प्रेडिक्शन की बात करो तो प्रेडिक्शन में ज्यादा बेटर कोलकाता नाइट राइडर्स लग रही है, सनराइजर्स हैदराबाद हारते हुए मैच दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सी टीमें मैच जीत सकती है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।